यशवंत सिंह के माध्यम से राशि का ट्रांसफर होगा। राजवन गांव के 16,796 निवेशकों को ट्रांसफर दिया जाएगा। 7 करोड़ से ज्यादा राशि निवेशकों के खाते में डाली जाएगी। तो सीएम भूपेश बघेल चिटफंड निवेशकों को राशि का वितरण करेंगे और निवेशकों को ये गिफ्ट, चिटफंड कंपनियों ने धोखा खाए निवेशकों को गिफ्ट दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये राशि का वितरण होगा। राजनांदगांव गांव के 16,796 निवेशकों को ट्रांसफर की जाएगी राशि। 7 करोड़ से ज्यादा राशि निवेशकों के खाते में ट्रांसफर होगी। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। मोहन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज राशि का ट्रांसफर होने वाला है चिटफंड निवेशकों को, क्या कुछ अपडेट्स हैं और इस पूरे मामले के बारे में बताएं कि आखिर ये गिफ्ट हम क्या ये समझे कि दिवाली से पहले दिया जा रहा है, इसके पीछे की आखिर क्या मंशा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जब 2018 में विधानसभा चुनाव थे उस समय कांग्रेस ने एक प्रमुख मुद्दा उठाया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चिट फंड जो कंपनियां हैं उन्होंने अपना जाल इस तरीके से बिछाया था कि कई हजारों लोग इस चिट फंड कंपनियों में अपना पैसा निवेश कर डुबा चुके थे और कांग्रेस ने वादा किया था कि जो भी ऐसे निवेशक हैं उन्हें पैसे वापस दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और जैसा कि नियम है कि चिट फंड कंपनियों में कोई निवेश करता है और ऐसी कंपनियां भाग जाती है तो कोर्ट के केस के तहत उनकी संपत्तियां कुर्क कर इन निवेशकों को पैसे वापस कराए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी करीब 2 दर्जन से अधिक कंपनियां काम कर रही थी अलग अलग क्षेत्रों में और वो कंपनियां भाग चुकी हैं। तो निवेशकों के जो पैसे डूबे थे उन्हें वापस दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयत्नरत थी और इसमें सबसे जो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र राजनांदगांव था। इसलिए वहां के जो निवेशक हैं उन्होंने आंदोलन भी किया था, सरकार ने वादा भी किया था। अब उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। कोर्ट का आदेश ये आया था कि संपत्तियां कुर्क कर निवेशकों को पैसे वापस किए जाए। तो इस संबंध में सरकार ने जो पहल की है और जो कानूनी प्रावधानों के तहत निवेशकों को पैसे वापस करने का अधिकार मिला है उसे आज मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत पूरा करने वाले हैं। तो ये राशि करीब 7 करोड़ की है जो कि निवेशकों को वापस की जाएगी। तो एक बड़ा वादा, हालांकि पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है लेकिन राजनांदगांव में जो कंपनी काम कर रही थी उस कंपनी के जो संपत्ति है उसे कुर्क किया गया है, कुछ वसूली भी की गई है। अब वो राशि जो सरकार के पास आई है वो निवेशकों को आंशिक रूप से वापस की जा रही है। तो एक बड़ी राशि है 7 करोड़ की, वो सरकार उन निवेशकों को दे रही है। चलिए, तो निवेशकों को ये राशि ट्रांसफर होगी और निवेशकों के लिए ये एक अच्छी खबर है। राजनांदगांव, जैसा कि मोहन बता रहे थे कि ज्यादा प्रभावित क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी चिटफंड कंपनियां थी, हालांकि इनकी संपत्तियों को अब कुर्क कर दिया गया है और जो राशि मिली है वो राशि अब निवेशकों को ट्रांसफर की जाएगी। आंशिक रूप से 16,796 निवेशकों को ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। 7 करोड़ से ज्यादा राशि निवेशकों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी अलग अलग जिलों में, लेकिन निश्चित तौर पर चिटफंड निवेशकों को राशि का ये ट्रांसफर होना है और ये निवेशकों के लिए अच्छी खबर है और साथ ही जो चिटफंड कंपनियां थी उनकी संपत्तियों को कुर्क भी कर दिया गया है। खबर